दोस्तों, यूं तो हॉलीवुड में बहुत सारी मूवी रिलीज होती रहती हैं और बहुत सारी हिंदी में डबिंग भी होती रहती हैं। कुछ रिलेटेड रहती है एक्शन से, कुछ रिलेटेड रहती है थ्रिलर से और कुछ मिस्टीरियस से। लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम कुछ ऐसे मूवीज के बारे में बात करेंगे जो कि सच में शानदार मूवीज में से गिनी जाती हैं, और इन मूवीज को अगर आप एक बार देख ले तो ये आपके लिए यादगार मूवीज बन जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज हैं आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में, और ज्यादा जानकारी और डाउनलोड्स के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नंबर 10, वी फॉर वेंडेटा। ड्रामा और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2005 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है ब्रिटेन से, जहां पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स लड़ते हैं अपनी स्वाभिमान की लड़ाई, या फिर कह सकते हैं कि अपनी स्वाभिमान को बचाने के लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से किस तरह लड़ते हैं और लास्ट तक उन्हें फ्रीडम मिलती है या फिर नहीं मिलती है, इसी को बेस करके ये कंप्लीट मूवी बनी है। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। नंबर 9, सोर्स कोड। थ्रिलर और ड्रामा के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2011 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है आर्मी पायलट स्टीवन से, जो कि एक्चुअल में लड़ाई करते हुए मारा जाता है, लेकिन उसकी डेड बॉडी से ही बहुत सारे उससे काम करवाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे सीक्रेट कोड्स को रिवील करवाए जाते हैं। आखिरकार ये काम उनसे क्यों करवाए जाते हैं और लास्ट तक क्या स्टीवन अपनी लाइफ को फिर से वापस पाते हैं या फिर नहीं पाते हैं, इसी के ऊपर बेस करके ये कंप्लीट मूवी बनी है। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 8, द विलननेस। ड्रामा और थ्रिलर के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2017 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है हॉनर से, जिसे बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है एक एसेसिन बनने के लिए। मूवी में लास्ट तक वो एक खूंखार एसेसिन तो बन जाती है, लेकिन उसे जो मिशन सौंपा जाता है, क्या वो उस मिशन को कामयाब कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, इसी के ऊपर बेस करके ये कंप्लीट मूवी बनी है। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। जिन्हें एक्शन प्रूफ मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है, उनके लिए बेस्ट मूवी है। नंबर 7, मदर। ड्रामा और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2017 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक राइटर से, जो कि अपनी पत्नी के साथ एक घर में अकेला रहता है, लेकिन अचानक से ही उनकी फैमिली में बहुत सारे एक्स्ट्रा लोग इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार वो लोग उनके लाइफ में इंटरफेयर क्यों करते हैं और लास्ट तक ये इंटरफेयर कितनी दूर तक जाती है, ये इस मूवी में देखने लायक है। मूवी की स्टोरी जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उतनी ही इसकी स्टोरी आपको मिस्टीरियस लगेगी। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.6। नंबर 6, ब्लैक स्वान। ड्रामा और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2010 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है नैना से, जो कि ब्लैक स्वान बनने का सपना रखती है, लेकिन अचानक से ही उस ब्लैक स्वान के सपने को पूरा करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे पागलपन जन्म लेती है। आखिरकार लास्ट तक क्या नैना ब्लैक स्वान के सपने को कंप्लीट कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, इसी को बेस करके ये कंप्लीट मूवी बनी है। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 5, पुलिस स्टोरी। मूवी रिलीज की गई थी 2013 में, और मूवी बेस्ड है ड्रामा और क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी में आप देख पाएंगे कि एक सच्चा पुलिस ऑफिसर अपने टीम के साथ साथ विलन्स को भी बचाने में बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है। मूवी की स्टोरी जितनी ज्यादा एक्शन प्रूफ है, उतनी ही ज्यादा इमोशनल एक्टिविटी से भरी पड़ी है, और इस मूवी में आपको जैकी चैन की एक्टिंग सराहनीय लगेगी। पुलिस स्टोरी मूवीज के बहुत सारे पार्ट रिलीज किए गए हैं और सभी के सभी पार्ट्स वन ऑफ द बेस्ट हैं। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। नंबर 4, वॉल-ई। फैंटेसी और साइंस फिक्शन के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2008 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक रोबोट से, जो कि अर्थ पर अकेला बचा हुआ रहता है, लेकिन अचानक से ही एक फीमेल रोबोट उसके लाइफ में आती है, और इसी चीज को इस मूवी में बड़ी अच्छी तरह से दिखाई गई है कि एक मशीन के अंदर किस तरह फीलिंग्स आती है और वो एक दूसरे से कितना प्यार करना शुरू कर देते हैं। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। मूवी की स्टोरी एक्चुअल में तो एनिमेटेड है, लेकिन मूवी की स्टोरी लाइन वन ऑफ द बेस्ट है और रोमांस एक्टिविटी से भरी पड़ी है, प्लस इसकी एंडिंग आपको बहुत ज्यादा टची भी लगेगी। नंबर 3, मिस्टर नोबडी। ड्रामा और फैंटेसी के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2009 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है नीमो से, जो कि एक प्लेटफॉर्म में अपनी माँ को खो देता है, और वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। वो कंप्लीट लाइफ किस तरह स्पेंड करता है, ये इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। इवन इसकी एंडिंग आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगने वाली है, लेकिन इसकी स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। नंबर 2, लूसी। थ्रिलर और एक्शन के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2014 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है लूसी नाम के एक लड़की से, जो कि ड्रग स्मगलिंग का काम कर रही होती है, लेकिन अचानक से ही उसी ड्रग स्मगलिंग के कारण उसके शरीर में बहुत सारे अजीबोगरीब बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार वो बदलाव किस हद तक जाते हैं और लूसी में क्या क्या बदलाव आते हैं, इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी की स्टोरी लाइन एकदम ही डिफरेंट है, और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4।
और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे पैरासाइट्स, ड्रामा और मिस्ट्री कवर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2019 में। और मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी आपको दिखाती है पुअर क्लास और हायर क्लास के डिफरेंस को, या फिर कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन रहता है और उसी डिस्क्रिमिनेशन के बीच ये दोनों कौन कौन सी हदें पार करते हैं इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। एक पुअर रिच बनने के लिए क्या क्या कर सकता है ये भी इस मूवी में बड़ी अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। और इस मूवी का IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, गुड बाय।